मंगल के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे औरंगाबाद के लोकप्रिय खासदार जनाब इम्तियाज जलील साहब सोलापुर आ रहे हैं माशाल्लाह। तो सुबह 11 बजे हुतात्मा स्मृति मंदिर में उनका कार्यक्रम है। आप सब लोग की जिम्मेदारी है, हम सब लोग इतनी बड़ी तादाद में आए ताकि उस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आप सबका भी हाथ रहे। और वो एक ट्रेलर दिखाने का आपने भी तमाम गद्दारों को एक ट्रेलर दिखाने का इंशाल्लाह। ये हम सब हैं तो असद साहब की वजह से हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह हम लोग कुछ नहीं तो दीदार करने आएंगे असद साहब के, इसके लिए आ रहे हम लोगों को इंशाल्लाह। तो आप सब लोग आएंगे ना ज्यादा, पास की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन सा अपना वैसा नाटक वाली पार्टी नहीं है, हाँ ये घसड़ बसड़ है। अपन सब बिंदास आने का, हमारे नेता भी सबसे मिलते हैं, आप भी हमारे नेताओं से मिलते रहना इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय महाराष्ट्र। कपड्यांचा ढीक जर तुम्हाला दुकानात आढळला तर तुम्ही कपडे कसे विकत घ्याल? सर्व भाज्यांचं मिश्रण तुम्हाला बाजारात आढळलं तर तुम्ही भाजा घ्याल? डाळ तांदूळ आणि इतर किराणा मालाचं मिश्रण आढळल्यास किराणा सामान विकत घ्याल? सगळं काही वेगळं झालं तर सोपं होणार नाही का? अशाच प्रकारे कचरा वेगळा झाल्यास कचऱ्यावर प्रक्रिया करणंही सोपं जातं। प्रत्येक सुक्या कचऱ्यासाठी निळ्या रंगाचा डबा, ओल्या कचऱ्यासाठी हिरव्या रंगाचा डबा, धोकादायक कचऱ्यासाठी लाल रंगाचा डबा। सुका कचरा, काच, लाकूड, चामडं, प्लास्टिक, धातू, कापड, रबर, कागद इत्यादी। ओला कचरा, फळाची साल, उरलेली भाजी, कातडी, न शिजवलेलं अन्न, कॉफी किंवा चहा पावडर, बागेचा कचरा जसं पानं आणि फळं। धोकादायक कचरा, डायपर, सॅनिटरी नॅपकिन, पेंट ड्रम, तुटलेले बल्ब, ट्यूबलाइट, बॅटरी, रासायनिक घटक इत्यादी। सौजन्य, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर।